अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ हाई फ्यूचर का सोनिक एयर प्रो वायरलेस एयरबड्स #एक्सट्रीम फ्रीडम 4 mic ENC, जो है वो सामने की तरफ ही मेंशन किया गया है। जितने भी आजकल बजट एयरबड्स आ रहे हैं मार्केट में, 4 mic ENC तो मेंशन होता ही है। यहाँ साइड पे कंफर्ट एंड स्टाइल मेंशन है, और इस साइड पे जो है वो 4 mic कॉलिंग मेंशन है। ठीक है, अगर आपके पास 6,000 रुपीज़ का बजट है तो दिस कुड बी द बेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू शुड कंसिडर। ठीक है, और अगर आपको जो है वो एक अच्छे ब्रांड की तरफ से कोई एयरबड लेना है विद 6 months ऑफ वारंटी, सेटेलाइट कलेक्शन से आप इसे बाई कर सकते हैं। पीछे जो मेंशन किए गए हाइलाइटेड फीचर्स है उससे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा कुछ जो है वो डिस्कस करने का है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 हाइलाइटेड फीचर्स है। मैं देख रहा हूँ 4 mic ENC, अप टू 35 hours ऑफ प्ले टाइम, यहाँ पे प्ले टाइम भी मैंशन कर दिया है। वायरलेस 5.3 ब्लूटूथ वर्जन मतलब, और 10 mm का ड्राइवर यूनिट है, मतलब लाउडनेस भी इसकी ठीक ठाक होने वाली है। सॉफ्ट बेस यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है, और कम्फर्ट फिट ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो है वो हाइलाइटेड फीचर्स हमने देख लिए, जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। पर्सनली मुझे जो है वो सोनिक एयर हो गया, या कोई भी जो है वो हाई फीचर के एयरबड्स हो गए, पैकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अंदर भी जो है वो ब्रांडिंग की है सोनिक एयर की, एक बुकलेट टाइप जो है वो निकलता है विथ दिस क्विक पैकिंग गाइड। ठीक है, इसे साइड पर रखते हैं, इसे मैं फ़िलहाल खोल के देख लेता हूँ। इसके अंदर जो है वो पेपर वर्क ही जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ये है वारंटी कार्ड, ठीक है, 6 months की वारंटी जो कि आपको सेटेलाइट कलेक्शन से देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे कार्ड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है वो यूज़र मैनुअल गाइड आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो एक बुकलेट जो है वो ऐड की है सिर्फ पेपर वर्क को यहाँ पे शामिल करने के लिए। तो खैर, पैकिंग अच्छी है, लेकिन पेपर बचा सकते थे यहाँ पे। आगे हमारे जो है वो एयरबड्स हमें मिल जाते हैं, स्टाइलिश डिज़ाइन है बिल्कुल, और ये ऐसा लगता है कोई जानवर के दांत वगैरह या कोई जानवर का मुंह वगैरह है, लेकिन ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, यहाँ पे हाई मेंशन किया गया है, हाई फ्यूचर की ब्रांडिंग ही है ऑफ कोर्स। और यहाँ एयरबड्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, हाई फ्यूचर की ब्रांडिंग की गई है यहाँ पर। और बाकी ये 10 mm का स्पीकर ड्राइवर यूनिट है, ये हम माइक्रोफोन्स वगैरह देख सकते हैं। इसका क्लोज लुक अभी लेते हैं एक मिनट में, पहले यहाँ पे देख लेते हैं बॉक्स में और क्या मेंशन है और क्या दिया हुआ है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको जो है वो एक टाइप सी केबल भी देखने के लिए मिल जाती है, USB A2 Type-C केबल। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एयर टैप्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी और कुछ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बॉक्स में, तो सारी चीज़ें करते हैं साइड पे, और फिर इस पे जो है वो थोड़ी सी जो है वो एक बातें करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। और अगर आपने बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं इसे थोड़ी बहुत टेस्टिंग जो है वो करके वापस आता हूँ वीडियो में। तो भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे सोनिक एयर को टेस्ट करके, और सच पूछो तो म्यूज़िक में मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी। मतलब जो सॉफ्ट बेस मेंशन है ना यहाँ पे, तो भाई सॉफ्ट बेस नहीं है, बहुत ही अच्छा बेस मिल जाता है आपको। हाँ, बहुत ही ज़्यादा हाई चाहिए आपको तो वो फिर एक अलग बात है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिर आप इसका डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं, क्लोज लुक, और यहाँ पर माइक्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, 4 mic कॉलिंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जो कि मैं टेस्ट आउट की, सच पूछो तो ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो इसका परफॉर्मेंस था। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, ब्लैक कलर में अवेलेबल है आज हमारे पास, ये सिल्वर यहाँ पर और वाइट, उसमें ब्रांडिंग हाई फ्यूचर की, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टाइलिश लुक प्रोवाइड कर रहा है। बाकी भी 2 कलर में और लॉन्च किया हाई फ्यूचर ने ये एयरबड्स, एक वाइट और एक गोल्डन। ठीक है, वाइट भी मिल जाएगा आपको सेटेलाइट कलेक्शन से, आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। और केस भी आप देखिए बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, हाफ इसका लुक जो है वो यहाँ पे ग्लॉसी जो है वो लुक दिया हुआ है विद दिस ग्लिटर, शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। और नीचे जो है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लैक
ग्लॉसी फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। नीचे जो है वो टाइप सी की पोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। पीछे जो है वो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है। जी हाँ, टाइप सी की पोर्ट है, मतलब यहाँ पे टाइप सी की चार्जिंग भी आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे जो है वो चार्जिंग केस और जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इस पर यहाँ पे एयरबड्स प्लेस करते हैं। जी हाँ, इसकी जो हाई फ्यूचर की यहाँ पे ब्रांडिंग की है, जिस पे सिर्फ हाई लिखा हुआ है भाई, वहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन एलईडी लाइट्स लगाई गई है जो कि आपको नोटिफाई करेगी इसका बैटरी लेवल। और ज़बरदस्त स्टाइलिश लुक ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और फीचर्स के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड हमने बहुत ही करीब से देख ली, तो इस जो है वो प्राइस पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन है, स्टाइलिश है। और बिल्ड भी जो है वो वही पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है जो कि इसी प्राइस पॉइंट में यही जो है वो डिज़ाइन और बिल्ड आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। और फीचर्स के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे सारे फीचर्स जो है वो मेंशन किए जा चुके हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फीचर मिस आउट किया है। हाँ, जो फीचर मिस आउट किया है वो है इसकी IPX रेटिंग। यहाँ पे आपको IPX5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है जो कि है स्प्लैश रेजिस्टेंट। ऑफ कोर्स ये एयरबड्स जो है वो वाटर प्रूफ भी है, मतलब स्प्लैश रेजिस्टेंट या वाटर रेजिस्टेंट भी आप इसे कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है वो ये टच कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं आपको। और मैं अगर आपको डिटेल में इसके सारे टच कंट्रोल्स एक मिनट में बता दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप कंट्रोल यूज़र मैनुअल में। अगर आप प्ले पॉज करना चाहते हैं तो प्रेस वन टाइम और प्रीवियस नेक्स्ट ट्रैक, आपको प्रेस एंड होल्ड फॉर 2 सेकेंड और 2 टाइम्स वॉल्यूम अप एंड डाउन और 3 टाइम्स प्रेस करेंगे तो ये सीरी या असिस्टेंट बुला लेगा। और बाकी भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल होती है, हम पढ़ते नहीं, उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो डेफिनेटली आप यूज़र मैनुअल को गो थ्रू कर सकते हैं। ओवरऑल जो है वो यहाँ पे क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त लगी है मुझे। और म्यूज़िक में मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस हूँ, सच पूछो तो भाई ज़बरदस्त बेस है यार। और यहाँ पे माइक की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली आप इसे बाई कर सकते हैं। लुक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और यहाँ पे बिल्ड भी। तो भाई साहब, अगर आपको ये बाई करना है तो हाई फ्यूचर का कलेक्शन जो है वो सैटेलाइट कलेक्शन पे अवेलेबल है भाई, 6 मंथ्स की वारंटी के साथ। और ये ग्रीन फ्लैश कर रहे हैं, मतलब पैनिंग के लिए तैयार है। ब्लूटूथ 5.3 है तो कोई भी मसला नहीं आता पैनिंग में। और भी जो फीचर्स है वो शुरू में हमने डब्बे पे डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो है वो शॉर्ट सा जो है वो ये ओवरव्यू था, मतलब क्विक रिव्यू था और क्विक सी अनबॉक्सिंग थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार। और अगर इसे बाय करना है तो वही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पता है कहाँ से बाय करना है, तो जाके लिंक से बाय कर ले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।